3D का एक ऐसा टॉपिक जिससे क्वेश्चंस बनते हैं और किस प्रकार आपको क्वेश्चन बनाने हैं वो उसको भी मैं सिखाऊंगा। तो टॉपिक है घन और घनाभ पर जितने भी प्रश्न बन सकते हैं जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। यही तो है पेपर। जो बेसिक चीजें है ना उसके साथ मैं आपको करने के एडवांस तरीके भी सिखाऊंगा कि आप किन तरीकों से चीजों को समझकर फटाफट से सवाल लगा सकते हैं। तो जल्दी से आ जाइए, क्लास का समय हो चुका है 4 PM शार्प पर आपको डेली इवनिंग में आपको क्लासेस मिल रही, तो जल्दी जल्दी फटाफट से आ जाओ भाई और अपने क्लास को आज शुरू किया जाए जल्दी से, ठीक है। तो भाई अपना जो हिसाब किताब है, दिव्यांशु हेलो, गौतम संदीप, उज्जवल कुमार, चंदन, वीरेंद्र सिंह, यशवंत, कर डबल साउंड, आई डोंट थिंक सो कि डबल साउंड है क्या भाई, साउंड का कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या आपको क्लास? सब लोग बताइए जरा, कोई साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है? मुझे लग रहा है साउंड तो एक ही है, देख लेते हैं कैसा डबल साउंड है। यस, डबल साउंड का प्रॉब्लम है, आवाज आ रही है, ठीक है मैं सही करता हूँ, सही कराता हूँ, ऐसा कुछ है तो मैं सही कराता हूँ। देख रहे हैं, देख रहे हैं कैसा डबल साउंड का, डबल साउंड का प्रॉब्लम है भाई। सब लोग बताइए जरा, कोई साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है? मुझे लग रहा है साउंड तो एक ही है। नहीं नहीं है, हम देखें, ये देखो, यस डबल साउंड का प्रॉब्लम, डबल साउंड का आवाज आ रही है, ठीक है आवाज आ रही है, ठीक है मैं सही करता हूं, सही करा, सही करता हूँ, सही करता हूँ। बस तब तक आप क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट से। हाँ अभी सही हो जाएगा, परेशान मत हो यार, जरा छोटी छोटी टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसमें इतना परेशान होने की जरूरत थोड़ी है। अभी मैं सवाल कराऊंगा, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, आपको आनंद आएगा भाई है। थोड़ा बहुत तो ये सब होता ही रहता है सर। एक मैराथन क्रॉस मैराथन ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री पर भी लाना प्लीज। अच्छा जी, इंजीनियर SK झा जी, हाँ आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं लाने का पूरा प्रयास करूंगा और लाऊंगा, परेशान मत। हाँ मैं सही कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। प्रवीण करे जी, सुनील कुमार जी, डबल साउंड का प्रॉब्लम अभी सही हो जाएगा, बस एक मिनट भी नहीं, लो भाई आ गए और ये सही कर देंगे अभी फटाक से। आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं लाने का पूरा प्रयास करूंगा और लाऊंगा, परेशान मत। हाँ मैं सही कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। प्रवीण करे जी, सुनील कुमार जी, डबल साउंड का प्रॉब्लम अभी सही हो जाएगा, बस एक मिनट भी नहीं, लो भाई आ गए और ये सही कर देंगे अभी फटाक से। अभी सही हुआ, देख के बताइए। सही हो गया? हेलो 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 हेलो, बंद है, देखो 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 देखो, हाँ ठीक है ठीक है। चलो तो टाइमिंग एक बार फिर से डिस्कस कर देते हैं, 4 PM से। और क्लास को शेयर करना आप लोग कैसे भूल जाते हो मुझे ये समझ नहीं आता। तो चलो भाई घन और घनाभ की चीजों का आज शुरू किया जाए। यस और नो का जवाब दो। सही नहीं हुआ अभी? ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ओ। अच्छा स्टिल डबल साउंड, अभी भी डबल साउंड है, OMG। एक बार फोन को रिफ्रेश करोगे? ओके ठीक है, चलो भाई अब आते हैं हम लोग घन पर। तो पहले इसके फॉर्मूले देखो मैंने लिख दिए हैं, मैं थोड़ा सा समझा भी देता हूं क्योंकि आपको फॉर्मूले आते होंगे ऐसा मुझे लगता है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ी जो बेसिक बातें हैं वो बता देता हूं। तो किसी भी घन में जो उसकी लंबाई, चौड़ाई और जो ऊंचाई होती है ये तीनों बराबर होती है, ठीक, ये याद रखना है, बेसिक बात है। इसलिए घन का जो वॉल्यूम बनता है वो क्या बनता है? उसकी साइड का क्यूब बनता है, ठीक। अच्छा इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है ना, वो कभी कभी पूछ देता है इसका कंप्लीट जो सरफेस एरिया होगा, जो इसका क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा,
उसके लिए फॉर्मूला होता है 6a² राइट, और जो ऊंचाई 6a² क्या हो गया, इसलिए घर का जो वॉल्यूम बनता है वो क्या बनता है, उसकी साइड का क्यूब डबल चल रहा है, अभी ठीक होगा ठीक। और अगर मैं बात करता हूं इसके विकर्ण के, इसके सबसे बड़े विकर्ण के, तो किसी भी एक कोने से ऊपर के एक कोने से नीचे के एक कोने को मिलाने पर जो विकर्ण बनता है ये कहलाता है इसका विकर्ण, और ये बनता है साइड रूट थ्री यानी कि ए रूट थ्री। बहुत छोटी सी कुछ बेसिक बातें हैं घन के विषय में, बाकी सारे फॉर्मूले आपके सामने मैंने ये लिख दिए हैं, पीडीएफ आपको इसी फॉर्मेट में सोल्यूशन के साथ मिल जाएगी, आप उसका भी आनंद उठाइएगा और फॉर्मूलेस का भी आनंद उठाइएगा ठीक है भाई। अभी सही होगा जहां तक मुझे लग रहा है, अब सही होगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देखिएगा आप ठीक है। हाँ राशिद धनबाद ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्यूबॉइड पे आते हैं, घनाप पे। यहां पे भी मैंने सारे फॉर्मूले का उल्लेख कर रखा है। घनाप में क्या होता है, एक्चुअल में जो घन होता है ना, जो क्यूब होता है घन, वो भी एक प्रकार का घनाभ ही होता है, घन भी क्या होता है, घनाभ होता है। बस फर्क दोनों में ये होता है कि इस घन की, जिसको हम घनाभ भी कह सकते हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब इक्वल होती है। और यहां पर अगर पर्टिकुलर घनाभ की बात करते हैं तो इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं होती है, ये तीनों अलग होती है ठीक, बस इतना सा फर्क है। सबसे बड़ा अगर इसके विकर्ण की बात करी जाएगी तो एक कोने से दूसरे कोने को मिलाया जाएगा तो ये इसका विकर्ण कहलाएगा, और विकर्ण क्या होता है, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ठीक, सिंपल सी बात है। बाकी सारे फॉर्मूले आपको याद भी होंगे और नहीं याद है तो नीचे लिखे भी हैं, आप दोनों ही तरीके से अपने मन को संतुष्ट करके आनंद ले सकते हैं ठीक है। कुछ और फॉर्मूले लिखे हैं नीचे, मैं उनको भी आपके सामने रख देता हूं ताकि आप उसकी भी स्क्रीन शॉट लेकर पीडीएफ ले सको, दोनों ही बातें हैं ठीक है भाई। यहां तक फॉर्मूले लिखे हैं, इससे अच्छा क्या ही हो सकता है कि आपको एक तरफ फॉर्मूले लिखे मिल जाए चैप्टर की शुरुआत में, जिसका आप रिवीजन कर लीजिए। अब देख लो यूट्यूब पे ऐसा कौन पढ़ाता है कि आपको चैप्टर की शुरुआत में फॉर्मूले लिखे मिल गए, जिस भी टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है फिर एक दिन में वो क्लास टॉपिक खत्म हो जा रहा है, तो मजा है ना इस चीज में, ईमानदारी से आप बताइए ठीक है। हाँ नहीं नहीं, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ फॉर्म में देखना, क्वेश्चन बड़े उसमें होंगे, आप चिंता ना करें ठीक है। तो आइए पहले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो क्वेश्चन का जो वो है ना फॉन्ट ऑन, वो सब बढ़िया है, एकदम बरकरार है, आपको दिखाई देगा हुबहू बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए पहले आपको थोड़ा सा समय देते हैं ताकि आप इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करें, और फिर जब नहीं आएगा तो हम तो बताएंगे, फिर आप ये मैच करना कि आपने क्या अप्रोच लगाई और मैं क्या कैसे बताता हूं, सीखने की कोशिश करिएगा ठीक है भाई। चलो देखो पहला क्वेश्चन, और सब लोग शेयर करो यार क्लास को फटाक से, नहीं तो इस तरीके से क्लास आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सब लोग शेयर करिए क्लास को फटाफट, जल्दी जल्दी से, जल्दी से शेयर करिए ठीक है। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से मिलेगी ठीक है, आइए। अब देखिए 30 सेकंड में ये सवाल जब मैंने आपको दिया तो आपने करने की कोशिश भी की होगी, आप उत्तर भी बताने वाले हो गए। चलिए इस सवाल को पढ़ते हैं और देखिए प्रयास करना है कि आपको कैसे इस सवाल को करना है, थोड़ा सा समझना ध्यान से ठीक है। मैं कैसे बताऊंगा आप कैसे करोगे, इन दोनों में फर्क होगा, तो इस फर्क को मिटाइए और मेरे साथ साथ कदम से कदम मिलाकर आगे पढ़िए ठीक है। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात है 19, 11 और 13 है। यदि लंबाई ऊंचाई से 30 सेंटीमीटर ज्यादा हो तो घनाभ का आयतन क्या होगा, यह पूछ रहा है। अब सुनिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से, अनुपात में देखिए कि लंबाई जो है इसकी ऊंचाई से कितना ज्यादा है, बोले सर 6 ज्यादा है, और सवाल के हिसाब से ये 30 ज्यादा थी तो 1 का मान 5 आ जाएगा। अब 1 का मान 5 आ गया तो होगा क्या, बच्चे करते क्या है कि सर 1 का मान 5 आ गया तो लंबाई यानी क्या लिखेंगे, 19 × 5 लिखेंगे, चौड़ाई को बच्चे लिखेंगे 11 × 5 और इसकी ऊंचाई को बच्चे लिखेंगे 13 × 5। अब जब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आ गई तो फिर अब इनका करना होगा गुणा, क्योंकि आयतन इसका क्या होता है, LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब बच्चे क्या करेंगे कि इसका गुणा करेंगे, गुणा करने में उनको तो होगी तकलीफ थोड़ी थोड़ी, कहीं ना कहीं होगी या नहीं होगी। मैं तुमको गुणा करने का वही एक अच्छा सा तरीका बता रहा हूं कि सुनिएगा कि कैसे करना है ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। तो अगर आयतन चाहिए तो आपको लिखना है 19 × 5
13 गुणे पांच और 11 गुणे पांच है ना। तो भाई अब एक चीज देखो, आपको ये बात पता होगी, नहीं पता तो हम बता दे रहे हैं, किसी भी विषम संख्या में अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इकाई का अंक हमेशा 5 ही रहेगा, ये बात कंफर्म है ठीक। और यहां पर अगर देखिए तो सारी की सारी विषम संख्याएं हैं, 19 भी 13 भी 11 भी, तो अगर इसमें 5 से गुणा होगा तो इकाई में तो 5 आना चाहिए, तो इसका मतलब हमारे पास से ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गए कि ये आंसर नहीं हो सकता सर। अच्छा अब सर ऑप्शन या तो बी होगा या तो डी होगा, इसमें कैसे चुने कि बी में कौन सा है डी में कौन सा है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा ठीक। अच्छा मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप जैसे इसका मान लीजिए पूरा गुणा कर लेते हैं, गुणा करने के बाद एक आपका उत्तर आएगा, आंसर आएगा गुणा करने के बाद, इसका मतलब यह है कि वो जो आंसर आएगा वो इन सबका गुणनफल होगा। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि जो भी आंसर आया है वो 5 × 5 × 5 से डिवाइड होने के बाद 19 × 13 × 11 देगा, मतलब वो 5 से डिवाइड होगा कितनी बार, 3 बार, ये होगा या नहीं होगा, 3 बार 5 से डिवाइड होना चाहिए आंसर। यस सर। अब इन दोनों को मैं से एक को उठा लो, मैंने इसको उठा लिया, मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूं, देखिएगा 5 × 5 = 3, 5 × 7 = 35 हो जाएगा, यहां पर 39 हुआ था 35 हुआ, 4 बचेगा 46 हुआ, 5 × 9 = 45, 1 × 5 = 15, 5 × 15 = 15, मतलब ये एक बार जब 5 से कटा तो अपने पास आया 17933। अब क्या 17933 दोबारा 5 से कट सकता है, बोले सर नहीं कट सकता है, सर हमें आंसर ऐसा चाहिए था जो 5 से 3 बार कटे, सर ये तो दोबारा कट ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी खत्म हो गया, सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी, ये तो सवाल में ही दिया हुआ था, तो अल्टीमेटली आप देखो आपने आंसर निकाल लिया डी, और अगर आप ये भी ना लिखते ना तो भी आपका उत्तर आ जाता बिना लिखे, ये फर्क होगा आपकी और मेरी कैलकुलेशन में, यही चीजें मैं आपको सिखाना चाहता हूं। तो डी इज द राइट आंसर, बताओ मजा आई, फटाक से पहले सवाल में बताइए मजा आई या नहीं आई, आपने इस सवाल को ऐसे करने का सोचा या नहीं सोचा, बताइए जल्दी से मजा आई आपको इस तरीके से, और शेयर करना मत भूलिए फटाफट से। हाँ बिल्कुल सही, तो शेयर करना मत भूलो, पहले तो जल्दी से शेयर करो, और ये लो अगला सवाल आपका, देखिए ध्यान से और बताइए, ये तो बहुत ही ज्यादा सरल है, इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं देना चाहिए। घन है, घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है, आयतन पूछ रहा है यानी 12 का क्यूब, और 12 का क्यूब करने पर 1728 आता है, इसमें बहुत ज्यादा समय करने की देने की जरूरत नहीं थी, आंसर सीधे सीधे मिलेगा 12 का क्यूब यानी कि 1728, बोलो ठीक है क्या, चलो बहुत बढ़िया। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, आपका अगला सवाल है, देखिए इस प्रश्न को और प्रयास करिए कि आप दिए हुए समय में इस प्रश्न को करने की कोशिश करिए। चलिए देखिए फटाक से और तेजी से शेयर करो भाई क्लास, फटाफट फटाफट, हाँ उसका तो सही था, राशि धनबाद, एक बार फोन को रिफ्रेश कर लीजिएगा सभी लोग जल्दी से, ठीक है फोन को रिफ्रेश कर लो एक बार, जैसे हम कर लेते हैं ना बीच बीच में वैसे आप भी कर लो ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आइए सवाल को देखते हैं, एक घनाभ है जिसकी भुजाएं दी हैं आपको, इसको पिघलाकर एक घन बना लिया गया ठीक है, अब आपसे जो पूछ रहा है उस पर ध्यान देना, कह रहा है घनाभ और घन यानी पहले घनाभ फिर घन, घनाभ और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया, आप ध्यान से देखिएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो पूछ रहा है। अच्छा घनाभ को पिघलाने के बाद घन बनाया गया है, तो ये चीज आपको पता है ना कि जब कोई चीज पिघलाई जाती है मेल्ट की जाती है तो क्या मेल्ट होता है, उसका सरफेस मतलब एरिया मेल्ट होता है या उसका आयतन मेल्ट होता है, आपका जवाब होगा सर आयतन मेल्ट होता है, इसका मतलब जब घनाभ पिघलाया गया होगा जिसका आयतन क्या होना चाहिए सर, 5 × 50 = 20 = 1000, तो इससे नया घन बनाया गया तो उस घन का आयतन क्या होगा सर, जितना उसको पिघलाने पर बना था यानी 1000, तो घन की भुजा क्या हो जाएगी जिस घन का आयतन 1000 है, तो आपका जवाब होना चाहिए सर 10। आपके पास दो बातें आ गई, क्या कि घन का भुजा आ गई आपके पास 10 और घनाभ की भुजाएं दी थी, अब घनाभ का आयतन अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 (LB + BH + HL) ये तो होता है, ध्यान से सुनिएगा,
और अगर घन के आयतन की बात करें तो ये होता है 6a² राइट, बोले यस सर। अब सुनिएगा, 2 एलबी, एलबी का मतलब 5 × 10, एलबी का मतलब 5 × 10 50, डायरेक्ट लिखा करिए। बीएच का मतलब 10 × 20 200, और एचएल का मतलब 20 × 5 यानी कि 100, और यहां पर क्या आ जाएगा 6a², ए स्क्वायर का मतलब 100 सीधे सीधे। अब देखिए सर, ये हो गया तुम्हारा 350, 350 × 2 हो गया 700, 700 और 600 ये रेशियो मिलेगा, यानी रेशियो जो फाइनल आपका बनेगा 7:6 बनेगा, और ये जिस ऑप्शन में दिया है, किस ऑप्शन में दिया है सर, ऑप्शन नंबर बी में दिया। सवाल खत्म हो गया, बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं थी, 7:6 आप समझ पाए किस तरीके से आया 7:6। क्या कैलकुलेशन, ये भी आप ना लिखो ना, ये जो फॉर्मूले है ना ये आपको याद होंगे, ये मैंने लिख दिए इसलिए थोड़ा सा टाइम मुझे और लगा, नहीं तो सवाल तो बिल्कुल समझ कर पढ़ना था और कर देना था, इससे ज्यादा इसमें कुछ था ही नहीं। चलिए नेक्स्ट आइए, अगला सवाल देखिए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिट्टो हूबहू उसी कॉन्सेप्ट पर है, मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका उत्तर जो है नियत समय पर दे ही डालें। बोलो दोगे आंसर इस सवाल का, तो ये रहा आपका समय और आपको देना है उत्तर फटाक से, होगी जल्दी से दीजिए फटाक से आंसर, और एक बार क्लास को जबरदस्त तरीके से भैया शेयर कर दो, जबरदस्त तरीके से, ठीक है, फटाक से आंसर दीजिए। एक बालक कह रहा सर टोटल सरफेस एरिया नहीं बोला है, कर्व सरफेस एरिया बोला था, जब सवाल में सिर्फ आपसे कहे पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आप हमेशा लेकर चलोगे टोटल सरफेस एरिया, ये बात भी सीख लीजिए, ठीक है। जब आपसे सवाल में सिर्फ ये कहे पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को लेकर चलेंगे, तब आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को यानी कि कर्व सरफेस एरिया को लेकर ना चलें, ये तो टाइम भी जाएगा और सवाल का आंसर भी गलत आएगा, ठीक है दोस्त। आओ इस सवाल को देखते हैं, घनाभ जिसकी भुजाएं इतनी 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 है को पिघलाकर एक घन बनाया गया, घन और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का, अब देखो यहाँ पे लिख भी दिया है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो मैं ये जानता हूं भाई कि अभी मैंने आपको लिखा था कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2lb + bh + hl, एक बार और लिख दे रहा हूं, ठीक है। और अगर मैं घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता हूं तो 6a² होता है। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, यानी कि इसका मतलब यह है कि जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो डिपेंड करेगा इसकी भुजा क्या आएगी, जब भुजा आएगी तो वर्ग करेंगे और 6 का गुणा कर लेंगे, यानी घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, किसकी बात कर रहा हूं मैं, घन की, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल जो भी आएगा वो 6 का गुणा जो होगा, ऑप्शन पर एक नजर डालिए, क्या घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इस ऑप्शन में 6 का गुणा ज नहीं है, क्या इसमें 6 का गुणा ज नहीं है, क्या इसमें 6 का गुणा ज नहीं है, यह उत्तर हो गया, ठीक है। बिना किए भी आप ऑप्शन पर एक नजर रख कर आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है भाई, ये चीजों को सीखो आप, ठीक है। 10 का स्क्वायर किया था तो बेटा कनौजिया तो उसमें 100 गया था, ठीक है। अब आप अगर इसको पूरा करना चाहो तो भी कर लो, देखो अगर मैं घनाभ की बात करूं जिसकी भुजाएं हैं 6 × 9 × 32, अब इससे मुझे इसको पिघलाकर घन बनाना है यानी कि a क्यूब करना है, तो आप ऐसा मत करना है कि पहले इन तीनों का गुणा कर रहे हैं फिर a निकालना है, आप देखो लिखने का तरीका समझो, जैसे इस 6 को मैंने 3 × 2 लिख दिया, 9 को मैंने 3 × 3 लिख लिया, और 32 को मैंने 2 की घात 5 लिख लिया, क्या लिख लिया 5। अब आप देखिए 1, 2 ये है, 2 की पावर 5 है तो 2 की पावर 6 हो जाएगा, और यहां देखिए 3 की पावर 3 हो जाएगा। अब अगर क्यूब रूट लेना है तो यहां पर क्या आ जाएगा, क्यूब रूट में 1, 2 और 1, 2 आ जाएगा, 3 इससे आ जाएगा, 3 × 6, 6 × 12 यानी घन की जो भुजा होगी वो क्या होगी 12, ये आ गई घन की भुजा। अब जिस घन की भुजा 12 आ गई उसको यहां रखना था, उत्तर निकाल लेना था, तब भी वो 6 का मल्टीपल ही आएगा, समझ पाए मेरी बात। तो आप किसी भी तरीके से अपना बनाकर चीजों को समझ कर कर सकते हो। चलिए अगला सवाल देखिए, आपका समय शुरू होता है यहां पर, आप फटाक से देखकर जल्दी से बताइएगा, और क्लास आप शेयर नहीं कर रहे हो मुझे बड़ी तकलीफ है भाई इस चीज की, थोड़ा सा क्लास को शेयर करिए भाई, ठीक है, फटाफट जल्दी होगी, जल्दी से क्लास शेयर करो भाई दम लगा के, ठीक है, क्योंकि अगर इतना संख्या रहेगी तो फिर मैं कंटिन्यू क्लास नहीं कर पाऊंगा, सीधी सी बात है यार, ठीक है। चलो जल्दी से देखो, जल्दी से बताओ, बढ़िया बढ़िया, इंद्राज, मीना, चंदन शर्मा, वेरी गुड, चलिए देखिए और बताइए।
6 मीटर 8 मीटर और 20 मीटर ऊंचाई, यानी कि अगर ये 6 8 और 20 है तो सारी ऊंचाइयां लंबाइयां चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है, तो इसका मतलब घनाभ है। कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी, यानी कि इसका चाहिए विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36, बी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64, और सबसे लास्ट की अगर बात करें तो एच स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर 400। तो 400 और 100 मिलकर हो जाएगा 500, यानी रूट ऑफ 500। अब देखिए 500 को आप लिख सकते हो 100 गुणे 5, 100 का 10 बाहर आ जाएगा, 5 का वर्गमूल लिया नहीं जा सकता है, तो आंसर क्या बन जाएगा 10√5। तो सही जवाब हुआ आपका ऑप्शन नंबर डी। कितने बच्चों का आया था जरा हैंडसअप करके थम्सअप मुझे भेजिए 10√5। जिनका नहीं आया था वो भी मुझे बता दीजिएगा, ठीक है 10√5 जिसका नहीं आता, जिसका आया था वो जरा हैंडसअप करिए और मुझे भेजिए जल्दी से, ठीक है। मुकेश, दिव्यांशु, ठीक है, कृष्णकांत ओझा, बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। तो क्लास को शेयर करो भाई पहले तो तेजी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप तरीकों को समझेंगे ना तो आप सवालों को अच्छे से समझ पाएंगे, और सवाल पढ़ते समय सवाल को अच्छे से पढ़ना बेहद जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए। देखिए, हाँ धन्यवाद मनु कुमार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए। थोड़ा सा क्लास को शेयर करो भाई फटाफट। चलो देखो बताओ, उधर घड़ी का घंटा टन से बोलेगा, इधर मैं सवाल बता दूंगा, ठीक है। चलो दिमाग हैंग कर रहा है, जरा सी चीजों पर अगर दिमाग हैंग करेगा तो कैसे काम चलेगा। आइए पढ़ते हैं, घनाभ की लंबाई तथा चौड़ाई को 20% बढ़ाया गया, यानी लंबाई बढ़ाई गई और चौड़ाई बढ़ाई गई घनाभ की, कितने कितने परसेंट, 20% लंबाई 20% चौड़ाई। ऊंचाई को कितने परसेंट कम किया जाना चाहिए कि क्षेत्रफल यानी उसका आयतन अपरिवर्तित रहे, कम करना है ऊंचाई को ताकि क्या बराबर हो जाए, वॉल्यूम बराबर रहे। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं लंबाई की अगर बात करूं तो लंबाई 20% बढ़ी है, यानी कि 5 से 6 हो गई होगी, यस सर। अगर मैं चौड़ाई की बात करता हूं, चौड़ाई की, तो चौड़ाई भी बढ़ी 20%, यानी 5 से 6 हो गई, यानी आप देखिए तो इन दोनों का गुणनफल हो गया है 25 से 36। अब कह रहा ऊंचाई को कितने परसेंट कम करें, तो ऊंचाई पर जो असर पड़ेगा वो उतना ही तो होगा ना जितना ये लंबाई 25 से 36 बढ़कर जाई गई होगी। अगर मैं इसी को 36 से 25 वापस ले आता हूं तो हमारा आयतन अपरिवर्तित रहेगा, तो 36 से 25 वापस लाने में 11 का फर्क पड़ेगा, किस पर फर्क पड़ेगा 36 पर, और गुणे में आया 100। देखिएगा ध्यान से, 4 से काट दीजिए 25 बार, 4 से काट लीजिए 9 बार, तो 25 गुणे 9 250 और 25 275/9 आ जाएगा, और 275/9 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको देगा 30.5% यानी ऊंचाई को इतने परसेंट कम करना होगा, 30.5% कोई बच्चा 4 बता रहा है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 30.5%। किसी का अभी तक ये सही जवाब नहीं आया, 44% आंसर दे रहे थे। ध्यान से सवाल नहीं पढ़ोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ये लिखा था कितना कम किया जाए, ध्यान ये पढ़ना जरूरी होता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप सवाल पढ़ रहे हो तो बहुत ध्यान से पढ़िए, इस तरह से पढ़िए कि एक बार में सवाल में क्या पूछा गया है, आपको क्या करना है समझ में आए, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे। हाँ सी इज द राइट आंसर, बच्चे अभी तक 44 44 44 44 सब लोग रट लगाए थे, अब थोड़ा समझ में आया होगा कि 44 क्यों नहीं है ना। आओ अगले सवाल पर आओ। देखो घन की भुजा, अब की बार घन है, भुजा को 10% बढ़ाया जाए तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होती है। तो आप समझिएगा, जब कभी भी घन के आयतन की बात होगी तो इसका मतलब होता है कि घन का जो आयतन बनता है वो किसी भी भुजा का, घन की भुजा का क्यूब बनता है। अब घन की भुजा को अगर 10% मेरे दोस्त बढ़ाओगे, तो आपने एक सीआई में सवाल पढ़ा था कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो और समय 3 वर्ष का होता था कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितने परसेंट मिलता था, तो बोले सर 10% के हिसाब से 3 साल होता है ना, तो 33.1% कंपाउंड इंटरेस्ट बनता था, यस और नो, बोले हाँ सर बनता था। यही काम इसमें भी है, देखो चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड ही होते हैं, ठीक। देखो 10% पहली भुजा बढ़ाई, मतलब घन की पहली भुजा को 10% बढ़ाया तो 10 से 11,
दूसरी भुजा को भी 10% बढ़ाया 10 से 11 और तीसरी भुजा को भी 10% बढ़ाया तो 10 से 11। अब जो आयतन पहले 1000 था 10 × 10 × 10 अब वो हो गया है 1331। तो आप बताइए दोस्त कितना बढ़ गया। बोले सर 331 बढ़ गया। कितने पर बढ़ गया सर? 1000 पर बढ़ा था। और अगर हमें परसेंट निकालना है, ये सब करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक, तो 33.1%। आप याद रख लो कि 10% पर अगर 3 बार की बात होती है तो इसका जो स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है वो आता है 33.1%। ये याद रख लीजिए, सीआई में भी बहुत काम आएगा। तो सवाल का सही जवाब होगा 31.3। कुछ बच्चे इसमें भी डी आंसर दे रहे थे, ठीक है, 33.1 कहां लिखा है, 33.1, हाँ डी ही होगा। तो सही जवाब होगा 33.1, इसमें भी डी आंसर आएगा, ठीक है, हाँ वेरी गुड, 33.1 ही होगा, वेरी गुड। अब सही तो है आपका, मेरी बात समझे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सवाल नंबर 11। अब ये सवाल है ना, इस सवाल ऐसा ही अभी इसी पैटर्न पर आपने दो सवाल इसके पहले किए थे, तो इस सवाल को आप लोग करके मुझे आंसर कमेंट करेंगे। और ये सवाल पहले ध्यान से देख लो, और क्योंकि ये आंसर मुझे अभी चाहिए इसलिए सभी के सभी बच्चे अभी आंसर देंगे, ठीक है, आप लोगों को ही ये सवाल करके मुझे उत्तर देना है। इसी पैटर्न पर मैंने दो सवाल अभी पीछे कराए हैं, तो मुझे आंसर चाहिए अभी, ठीक है, चलो जल्दी से दो आंसर, क्या आंसर आएगा, अभी के अभी आंसर चाहिए, जल्दी बताइए। एक कह रहा है सर युगांडा में बारिश हो रही है, होने दो युगांडा में, या तुम्हें अगर चाहिए बारिश तो तुम वहीं युगांडा चले जाओ, ठीक है, चलो हर हर महादेव, चलो आंसर दो फटाक से भाई, बहुत समय मत लगाओ। देखो दो ऑप्शन तो सीधे सीधे कटे आएंगे आखिर, ये पहले दो ऑप्शन तो कटे आएंगे, क्योंकि अगर हमें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो वो 6 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए, तो 35 6 से नहीं कटता है, 38 भी 6 से नहीं कटता है, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए। अब इनमें से आंसर चाहिए, तो जल्दी से आंसर दो क्या आएगा। चंदन कुमार जी का पहला आंसर आया सर 41-36, ठीक है, और बताइए। सुधीर यादव, हम नहीं थे, ठीक है, आपका सही जवाब है, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है भाई,